राहुल खुराना की हिम्मत कैसी हुई मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। दीदी अब क्या करेंगी? मैं उससे बदला लूंगी। चुप कर, कोई भी बदला नहीं लेना है, क्योंकि उस राहुल खुराना ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं आगे जाकर क्या कर दे। और वैसे भी गलती भी तो हमारी है ना कि हमने उसकी मम्मी का ड्रेस पहना था। हाँ दीदी, मम्मी पहली बार कुछ सच बोल रही है। अच्छा बेटा, दीदी का चमचा। ठीक है, जो हुआ वो हो गया, अब हम अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक साल बाद। मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा रुक, आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है ना, ये ले दही शक्कर खा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है मम्मी, थैंक यू, बाय। ये दूध वाला इतना पानी मिला के देता है ना ये दूध, कि सब कुछ पानी पानी लगता है। ओए तू सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं, तुझे कॉलेज नहीं जाना है? हाँ मम्मी जा रहा है, लेकिन पहले दीदी को वॉशरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। अरे गधे, तेरी बहन रेडी होके कब का चली गई? क्या, मैं दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलना भूल गया? पता नहीं बेचारी की लाइफ कब ट्रैक पे आएगी। भवान जी प्लीज उनकी ये वाली जमों के हाथ से ना जाए। हाँ बेचारी घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करती है, और तुझे देख, लगता है मेरी कोई क्लाइंट आई है। अब तू जल्दी से उठ। और बताओ किराया देने का कब इरादा है? 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। हाँ हाँ दे दूंगी, और तू इतना एटीट्यूड की दिखाती है। और ये मत भूल कि 11 साल पहले मैं सोने के महल में रहती थी। हाँ, मुझे पता है, अभी कहानी तू कितने बार मुझे सुनाएगी, सुन सुन के मैं पागल हो गई हूँ। ये पक्का उस चीज से जलती होगी, इसीलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जल्दी से किराया। हाँ, मैं दे दूंगी, मेरी बेटी की नौकरी लग गई है, उसकी सैलरी आने दे, ठीक है? और तब तक के लिए पका मत, बाय। अरे मेरी बात सुन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना इस ऑफिस में? यस सर। ओके अब जाओ अपना काम करो, बेस्ट ऑफ लक। यार ये कार्तिक सर कितने ज्यादा हैंडसम है। हाँ तुमने सही कहा, मैंने सुना था इनकी शादी भी नहीं हुई, ये सिंगल है। हाँ तुमने सही कहा, काश ये मुझसे शादी कर ले। ये तुमने गलत किया, वो मुझसे शादी करेंगे समझे? तुमने अपनी शक्ल देखी, तुम्हारी बंदरिया जैसी है शक्ल। तुमसे तो लग जा। ओह हाय, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, लेट्स सी तुम ये जॉब कितना डिजर्व करती। ये लो ये फाइल, इसे घर जाने से पहले पूरा कंप्लीट कर देना समझी। ये कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की फाइल्स हैं, और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो कार्तिक बॉस बहुत गुस्सा करेंगे समझी। अगर ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप ही कर दीजिए। रिंकी सी, मैं हूँ साउथ दिल्ली की वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी, और वैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कार्तिक बॉस की असिस्टेंट हूँ, तो मेरे कहने पे वो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकते हैं, तो मैंने जितना बोला उतना करो समझी। कितनी अजीब है ये। ओह हाय, मेरा नाम गार्गी है, तुम यहाँ पे नहीं आई हो ना? हाँ। वैसे तुम समारा की बातों पे ध्यान मत देना, वो ऐसे सबसे रूडली बात करती है। और वैसे मुझे ये बात तुमसे बतानी चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो क्या हुआ। तुम्हारे पोस्ट पे पहले एक लड़की काम करती थी और उसका नाम था टीना, वो समायरा की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कार्तिक बॉस ने उसे धक्के मार के इस नौकरी से निकाल दी, क्योंकि वो हमारे कंपनी की कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को देती थी, और उस कंपनी का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है किसी ने भी, सिर्फ वो कार्तिक सर को पता है। और तुम्हारी पोस्टिंग समायरा की बेस्ट फ्रेंड की जगह पे हुई है, इसीलिए शायद वो तुमसे ऐसे बात कर रही है। ओह थैंक यू मुझे बताने के लिए। ओए तुम दोनों काम ज्यादा करो, बातों पे कम फोकस करो समझी। डैम इट माय फुट। मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। समायरा ये लो, मैंने सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है। और ये ऑफिस है तो यहाँ पे ढंग के कपड़े पहन के आओ, ये गवारों जैसे नहीं समझी। हाँ इतनी बदतमीज है ये, थैंक यू भी नहीं बोला और ऊपर से मेरे कपड़ों के बारे में बोलती है। मैं घर आ गई। अरे रिंकी बेटा तुम ऑफिस से आ गए तो बताओ आज ऑफिस का पहला दिन कैसा था? ठीक ही था मम्मी, बस सबको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है। वो तो बोलेंगे ही ना, तो इतने अजीब से कपड़े जो पहन के जाती है बाहर। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तू क्यों ना मेरे क्लाइंट के कपड़े पहन। मम्मी आप ये सोच भी कैसे सकती हैं, आप भूल गई कि एक साल पहले क्या हुआ था? बोल रही थी मुझसे, और ये इतना महंगा कपड़ा, ये कपड़ा मेरी मॉम का है जो कि तुमने पहना है, भिखारी। इसको तुम लोग फ्रेम करवा के अपने घर में सजा के रख लेना, क्योंकि इस शॉल में सबसे महंगी चीज यही होगी। ओ अब मैं यहाँ से चलता हूँ, काफी ज्यादा बदबू आ रही है। अरे राहुल खुराना हमारी बात तो सुनिए प्लीज। अच्छा ठीक है, घर में सबसे छोटा मैं हूँ, लेकिन मम्मी बच्चों की तरह बात करती हैं। तू चुप कर, ज्यादा बोलेगा। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा डिनर तो कर ले, मुझे भूख नहीं लगी है। मम्मी सारी गलती आपकी है, आपने एक साल पहले की बात करके मेरा मूड खराब कर दिया। अगले दिन। मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय दीदी। चिंकू ये ले कुछ पैसे रख ले, तेरा बर्थडे है ना कल, तो अपने लिए कुछ खरीद लेना। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं तेरे लिए कुछ जाकर ले लूँ।
अरे बेटा थोड़े से पैसे मुझे भी दे दे, मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। मम्मी बिना पापा की मैरिज एनिवर्सरी? टिंकू चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। मम्मी मैं आपको बाद में दे दूंगी, वो बैंक से जाके निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरी फीलिंग्स तो इस घर में कोई समझता ही नहीं है। अच्छा तो तुम आ गई? सॉरी सर आज मुझे लेट हो गया थोड़ा सा। वैसे एक बार बताओ आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की फाइल क्या तुमने बनाई थी? हाँ सर। और कल तुम्हारा फर्स्ट डे था, सच में ब्रिलियंट, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेलिंग में फाइल्स कंप्लीट की थी, तो मैं चाहता हूँ आज की मीटिंग्स की प्रेजेंटेशन तुम दो समायरा की जगह। ओके सर। मीटिंग बस एक घंटे में स्टार्ट होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। ओह वाओ रिंकी तुमने तो कमाल कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें तो एक महीने में ही प्रमोशन मिल जाएगी। ये आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। समायरा की बच्ची की तो जल गई होगी। गार्गी तुमने कुछ बोला क्या? नहीं तो। और तुम रिंकी तुम्हें कैसा लग रहा है, पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह ली और अब मेरी? समायरा तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ज्यादा दिन तक टिकोगी नहीं। डैम इट माय फुट। रिंकी आई एम सॉरी। एंड हाँ तुम समारा की बातों पे उतना ध्यान मत दो, ठीक है? चलो मीटिंग के लिए बहुत कम टाइम बचा है, जाके प्रिपेयर करो। रिंकी क्या तुम मीटिंग के लिए रेडी हो? यस सर। गुड। और आज की मीटिंग हमारी इन्हीं के साथ होने वाली है, द बॉक्स कंपनी के मालिक राहुल खुराना। रिंकी इनको हेलो बोलो। हेलो रिंकी, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। दोबारा? मैं कुछ समझा नहीं। रिंकी क्या तुम इनसे पहले मिल चुकी हो? यस सर, हम एक बार मीटिंग से रिलेटेड बात करने के लिए मिले थे। ओह वाओ, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। सर सब कुछ रेडी हो गया है, चलिए। ओके चलो। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। और ये कार्तिक। रिंकी आर यू रेडी? ओके प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, 3 2 1। रिंकी वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सर। कार्तिक कांग्रेचुलेशंस, हमारी डील पक्की होगी, अब तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे नेक्स्ट मीटिंग में जाना है, बाय। एक मिनट रिंकी सुनो। यस सर। तुमने काफी अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, तो चलो हम किसी कैफे या फिर कॉफी पीने चलते हैं। नहीं सर सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी, वो एक्चुअली मैं बिजी हूँ थोड़ी सी। अरे तुम ऑफिस की चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें एक हफ्ते तक कोई भी वर्कलोड नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? नो सर वो बात नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना कि कल मेरे भाई का बर्थडे है तो मैं शाम को वही बिजी रहूंगी। ओह वाह तुम्हारा भाई है, ये तो और भी अच्छी बात है। एक काम करता हूँ मैं कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, दो दो खुशी की पार्टी एक में ही हो जाएगी, है ना? वो सर एक्चुअली। ओके तो अब तुम अपने बॉस को मना कर रही हो, क्यों? नहीं सर ऐसी बात नहीं, आप जरूर आइएगा। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके तो मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, बाय। अरे नहीं अब क्या होगा। अरे रिंकी बेटा तू आ गई, क्या हुआ तू इतनी सैड क्यों है? अरे मम्मी मेरे ऑफिस के बहुत सारे चिंकू की पार्टी के लिए, वो भी घर पे। क्या अब हम क्या करेंगे, हमारे पानी से टपकता हुआ छत, मैं उनको कहाँ पे बैठाऊंगी और खाने में क्या बनाऊंगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे मम्मी शांत हो जाइए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप टेंशन मत लीजिए, आप बस वही पनीर पराठे और खीर बना दीजिएगा और मैं बाहर से केक लेते आऊंगी बस, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की पागल है क्या, सच में इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं? चिंकू के बर्थडे वाले दिन। हाय कार्तिक सर। हाय हाय चिंकू, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू कार्तिक। बॉस बोलो। मेरे बॉस थोड़ी ना। सॉरी आप आइए अंदर आइए ना। हाँ चलो। और बेटा बताओ और खीर तो? नहीं नहीं पेट भर गया, और आपने खीर बहुत अच्छी बनाई है, खीर मेरी फेवरेट है। सच में हमने तो ऐसे ही बना दिया, हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो खीर जरूर बनता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बिल्कुल इस कुत्ते राहुल खुराना जैसे नहीं हो, वो द बॉक्स कंपनी का मालिक है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और उसकी कंपनी तो आपकी कंपनी से इतनी छोटी भी है लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना घमंड है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आपको देखो, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो फिर भी कितने अच्छे हो, कितने क्यूट ही पाए हो, आपकी और मेरी बेटी की जोड़ी एकदम। अरे अरे मम्मी आपी क्या बोल रही है सर, बस हो गया ना, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, चलिए। अरे
सॉरी सर, मेरी मम्मी को माफ कर दीजिए, उन्होंने राहुल खुराना सर को जो कुछ भी बोला वो कुछ भी बोलती रहती हैं। मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है रिंकी, मुझे सब पता है राहुल खुराना के बारे में। एक साल पहले उसने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नौकरी क्यों दी? तुम्हारे पोस्ट पे पहले एक लड़की काम करती थी जिसका नाम टीना था। उस राहुल के बच्चे ने उस टीना को कुछ पैसे दे के हमारी कंपनी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए बोला, और उसने किया भी। और मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने उस टीना को पहले नौकरी से निकाली और उसके पोस्ट पे तुमको लाया। और जब मैं तुम्हें नौकरी पे रखने वाला था तो सबसे पहले मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। मैं नहीं चाहता था कि टीना जैसे तुम भी निकलो। फिर मुझे तुम्हारे पास से पता चला कि तुम्हारा राहुल खुराना के साथ कनेक्शन था और मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता चली। और मजे की बात तो ये है कि उस राहुल खुराना को ये भी नहीं पता कि मुझे इन सब के बारे में पता है। टीना से मैंने सारी बातें उगलवा दी थी और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, वरना वो जेल जाती। तो अब आप क्या करेंगे? कल मैंने ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें मीडिया भी आने वाली है, और कल मैं सबके सामने राहुल खुराना का पर्दाफाश करूंगा। उसने इसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन इस बार बेचारे ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है मुझसे। कल पूरी दुनिया के सामने राहुल खुराना की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फाइनली मेरे पास सारे प्रूफ रेडी है। रिंकी, मैंने कॉन्फ्रेंस वाली बात किसी को भी नहीं बताई ऑफिस में, और तुम भी मत बताना। और अगर हो सके तो, अगर तुम्हारा मन हो तो कल आ जाना, ठीक है? चलो बाय, मैं चलता हूँ। मम्मी और चिंकू, तुम यहाँ पे खड़े होकर सुन रहे हो मेरी बात? इतनी रात को कौन आया है? पक्का वो मकान मालिक आई होगी किराया मांगने के लिए। एक नंबर की भिखारन है वो। शायद सर का कोई सामान छूट गया हो, वही लेने के लिए आए होंगे। हाय रिंकी, मैं राहुल खुराना। राहुल खुराना, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो मैं बोलना चाहता था कि आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एक साल पहले जो कुछ भी बोला था, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत गलत किया था। और यही नहीं, एक साल से जब भी तुम्हारी हर ऑफिस में नौकरी जाती थी उसके पीछे मेरा हाथ था। मैं ही लोगों को पैसे दिलवा के तुम्हें नौकरी से निकलवाता था। आई एम सो सॉरी रिंकी, मैं एक बुरा इंसान था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मुझे रियलाइज हो गया कि तुम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हो, और अब तो तुम एक अच्छे पोस्ट पे हो, अच्छे कंपनी में काम कर रही हो। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस मुझे इतना ही बोलना था। बाय। इससे तो मुझसे सॉरी बोल ली। क्या मुझे ये बात कार्तिक सर को बतानी चाहिए? लेकिन इतनी रात को तो मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकती हूँ। जो होगा कल देखते हैं। अगले दिन। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बेटा, ये ले दही शक्कर खा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। भगवान जी, सब कुछ अच्छे से हो जाए। ओए चिंकू, जल्दी से टीवी खोल। हाय रिंकी, तुम आ गई। तुमने देखा कि हमारे ऑफिस के बाहर इतने सारे मीडिया कैमरामैन खड़े हैं? क्या तुम्हें पता कि क्या होने वाला है? गार्गी, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा। हाँ, तुमने सही बोला। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। रिंकी तुम आ गई, एक काम करना, कॉन्फ्रेंस के टाइम तुम मेरे बगल में ही खड़े रहना। ओके सर, मैं क्या करूंगी? ऐसे ही अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो शायद तुम संभालोगी, ठीक है? ठीक है। ओके, तो मैं 2 मिनट में आता हूँ सारा प्रूफ लेके, ठीक है? तब तक तुम मीडिया वालों को संभालो। ओके प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए, बॉस बस आते ही हैं। अरे बाप रे, कितने मीडिया वाले आए हैं। वो तो दीदी। अरे मेरी बेटी। ओए मालकिन सुन, मेरी बेटी टीवी पे है। भिखारन प्लीज। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, एकदम एक्टर। हमको भी वहां चलना चाहिए था, हमारे कहीं तो फुटेज आ जाती है। हाँ, लेकिन वो हमने लाने कहां दिया। अरे कार्तिक बॉस आ गए, उनके ऊपर फोकस करो। अरे देख, रिंकी का कार्तिक बॉस आ गया, उसके साथ मेरी बेटी की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओह माय गॉड, कार्तिक सबको गोली लगी, जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ। बुलाओ कार्तिक सर, सर सर उठिए प्लीज, आप लोग पिक्चर मत क्लिक करिए। कार्तिक सर, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ सर, सर उठिए। जल्दी से ऑटो ले, हमें वहां पे चलना होगा, जल्दी कर। गार्गी, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो।